हाल चाल लोग आप सब लोग बढ़िया हो यार। तो मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूँ एक और नया व्लॉग। तो अभी मैं हूँ फाइनल ईयर के हॉस्टल में, जाते जाते एक व्लॉग मैंने सोचा इसका भी बना दिया जाए। तो अभी मैं फाइनल ईयर के हॉस्टल में हूँ। देखो मेन एंट्री जो है वो इधर साइड से है, ये सामने दिख रही है, ये मेन एंट्री है और ये मेस वर्कर्स वगैरह के लिए इधर से जगह है और ये है हमारी हॉस्टल की मेस। ये फाइनल ईयर हॉस्टल की मेस है और ऐसा ऐसा देख लो अंदर सिस्टम, ये मैस में बैठने की जगह, कूलर पानी वगैरह। और इसके जस्ट बगल में हम जाएँ इधर, तो ये हमारा है कॉमन रूम। ये हॉस्टल का कॉमन रूम है। कॉमन रूम का अंदर से देखो, कॉमन रूम का अंदर से दिखा दूँ तो यहाँ टीवी वगैरह लगी हुई है और हमारा ये कैरम वगैरह और टेबल टेनिस, काफ़ी सारी चीज़ें। तो जब आप इधर से इधर जाओगे तो ये हमारे यहाँ से टोटल इसमें चार विंग है। ये विंग है हमारी फर्स्ट विंग, ये ए विंग है और इसके अलावा दिखाऊं तो आपको ये बी विंग है शायद, इसके बाद सी है, इसके बाद इसके पीछे एक और है डी विंग। तो रास्ते दिखा देता हूँ आप लोग को, ज़्यादा कुछ खास है नहीं हॉस्टल के अंदर, तो चलते हुए दिखाता हूँ। ए विंग के ये देखो, मैं बाहर से थोड़ा आगे जाता हूँ, दिखाता हूँ। ये हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, ये शताब्दी भवन है और मैं एक एंट्रेंस वहाँ से भी है। उधर से आप आओगे घूम के तो इधर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का हॉस्टल, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का हॉस्टल इधर साइड है। और इससे इधर अंदर साइड घूम के आओगे तो वो जो रास्ता मैंने बताया ये है। और ये हमारा क्रिकेट ग्राउंड, इसके जस्ट सामने ए विंग है। तो रूम वगैरह अगर लेना हो तो सबसे अच्छा है ए विंग में लेना होता है। ए विंग से काफ़ी अच्छा नज़र आता है ऊपर से, क्या अभी दिखा दूँगा। तो चलते हैं भाई ए विंग में ऊपर, अभी मैं कुछ काम है दोस्त के पास आया हूँ प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ये ए विंग हमारी, व्यू देख सकते हो भाई, व्यू शानदार आता है इधर से। मैंने एक और वीडियो बनाया था जब मैंने हॉस्टल टूर दिया था वेस्ट कैंपस वाला, उसमें तो ये आ गई हमारी ए विंग। देखो ऐसी है। और टॉयलेट्स वगैरह का सीन ऐसा है कि अगर उस कॉर्नर पर टॉयलेट है एक, अभी चल कर दिखा दूँगा बाद में, अभी कुछ काम करते हैं फिर चलते हैं। ये अब हम एंटर होने वाले बी विंग में, फिर सी विंग है, उसके बाद डी विंग है। हाँ तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अपने एक दोस्त के रूम के बाहर। तो हॉस्टल में आए हैं तो मैं रूम का टूर तो कराना ज़रूरी है। तो ये है रूम, ये हमारा दोस्त है, हम ब्रांच का है श्रियांश। हेलो भाई, भाई बता दो क्या क्या मिलता है हॉस्टल में, मतलब अगर रूम मिलता है रूम के अंदर क्या क्या मिलता है, इतनी सारी चीज़ें। टेबल कुर्सी बेड, बस गद्दा खुद का लाना पड़ता है, और ये पंखा भी खुद का लाओगे तो। केटल वेटल यूज करना अलाउ नहीं है, लेकिन हु नोस क्या क्या चल ये फंस गया सी है अंदर। और बाकी रूम की हालत देख सकते हो भाई, एसयूटी फाइनल ईयर के रूम है हॉस्टल का। अब भाई बताओ, देखो इस टाइप के कुत्ते भाई बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। एक यहाँ का फेमस कुत्ता कौन सा वाला है, फाइनल ईयर वाला अंकल जॉन, एक दो तीन अंकल जॉन भी है, हो सकता है एक दो साल में खत्म हो जाए भाई, तो आके मिलना हो तो मिल लेना। देखो तो एक ये उनका लौंडा, वो उनका लौंडा, पता नहीं दो तीन और हैं। चलो ऊपर चलते हैं अंकित के रूम में। ये है हम बी विंग में, बी विंग का नज़ारा देख सकते हो। उधर उधर साइकिल स्टैंड है, वहाँ से साइकिल वगैरह लिया जा सकता है। और इधर वही बता रहा था मैं, जो अपना क्रिकेट ग्राउंड सामने हल्का हल्का ब्लू ब्लू जो दिख रहा है ऑडिटोरियम में। बाकी आगे चलते हैं, टॉयलेट्स का दिखाया जाए तो कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये असली है ये लौंडा। टॉयलेट्स भी ठीक ठाक है भाई, एकदम हॉस्टल टाइप वाले टॉयलेट्स वगैरह, ये टॉयलेट वगैरह ठीक है। इतना अंदर नहीं दिखाऊंगा, दो टॉयलेट्स हैं सामने सामने इस पूरी विंग के लिए। ये है सेकंड फ्लोर, हाँ शायद, हाँ ये सेकंड फ्लोर है। हाँ तो दोस्तों मैं आ गया अपने एक दोस्त के रूम में, आप लेके चलते हैं। हाँ भाई, भाई बताओ क्या क्या मिलता है हॉस्टल में, थोड़ा सा इसको बंद करो, लाइट आ रही है, इधर आ जाओ। हाँ हॉस्टल में मतलब अगर रूम अलर्ट होता है उसमें क्या क्या मिलेगा? लाइट है, उसका बिल पहले से एडिड है, कूलर वगैरह अपना लाना पड़ेगा, कूलर अपना लाना पड़ेगा, और पंखा पंखा लगा वाला मिला था 1900 के जमाने का, कूलर जो है बेड है अपने से लेना पड़ता, कूलर अपने से लेना पड़ेगा। और बाकी टेबल कुर्सी, तो पेंटिंग चल रही है किसको बना रहे हैं इसको, ऋतिक मावर, मनन, अंकुर, ये कौन है ऋतिक मावर,
ऋतिक मामा है। अच्छा बगल में रहता है, ठीक है। ये मनन है, अंकुर तो दिख गया, वो कौन है? अच्छा मैं जानता नहीं, मतलब वो अच्छा तुम आओ, तुम ही नहीं आ पा रहे। ऊपर किशन जी बना रखे हैं। हारना बहुत जरूरी है, बीटेक करना है तो हारना तो पड़ेगा ही। क्या बोला तूने? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और ये सेल्फ वगैरह मिली हुई है भाई, 1 2 3 4 ये है। ये भी कवर्ड लॉक अप हुआ है, लॉक हो जाती है, लॉक नहीं होती, बंद भी नहीं होता है। अब बालकनी दिखा देते हैं भाई, बालकनी में जाने का रास्ता तो नहीं है। हाँ जा सकते हैं, काफ़ी ठीक है। कबाड़े कूड़ा कचरा है लेकिन अच्छी है। आम का पेड़ देख सकते हो, बेल का पेड़ भाई, ठीक है भाई, बढ़िया रूम। तुम्हारी बालकनी काफ़ी अच्छी है ना भाई, मज़े। अगर शांति लेनी हो तो जाके बैठ के ले सकते हो। रात में कैसा लगता है? अच्छा लगता हो यहाँ पे? हाँ तो भाई चलो मिलते हैं, काफ़ी अब तो जाने वाले भाई। खराब कैसा लग रहा है? अच्छा खराब, हाँ थोड़ा याद आ रहा है, इमोशनल हो जाते हैं पर। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? हाँ कि सब तो ठीक है, फीस है। चलो भाई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाकर शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।